हिंदी माध्यम से 54 सिलेक्शन हुए। मैं बहुत दिनों से हर जगह बोल रहा हूँ, सब ठीक रहा, तो पिछली बार 24 बच्चे थे, इस बार कम से कम 48-50 तो होंगे, तो हमारा वायदा सफल रहा, 54 लोग हिंदी माध्यम से निकले। और आज अगले साल का वायदा भी कर रहा हूँ, अगले साल का तय मान के चलिए 75, कोशिश रहेगी 100 की। तो मैं सबसे पहले उसी व्यक्ति को थैंक यू बोलना चाहती हूँ जिनका सबसे ज्यादा सिग्निफिकेंट कॉन्ट्रीब्यूशन है, डॉक्टर विकास दविक की सर। ही इज नॉट ओनली द डायरेक्टर ऑफ दिस दृष्टि ग्रुप बट ऑल्सो द डायरेक्टर ऑफ दिस सक्सेस। तो वो मूवी की जो बोरिंग शूटिंग होती है वो पूरी सर ने देखी है। देखिए, इस बार जो मैंने आपसे कहा, पिछले साल हिंदी माध्यम से कुल 24 सिलेक्शन थे, पिछले 20-25 साल से कभी ऐसा नहीं हुआ कि 30-35 से ज़्यादा हुए हों। इस साल हमारा टारगेट 50 का था, 54 सिलेक्शंस अभी तक पता लगे हिंदी माध्यम के, पहले 100 में 3 हैं, 120 में 5 हैं, और अभी जो मुझसे 5 बच्चे मिलने आए हैं, ये 5ों बच्चे अस्मिता योजना के बच्चे हैं। अस्मिता योजना की शुरुआत करीब 1.5 साल पहले हुई थी। हिंदी माध्यम के वो स्टूडेंट जो दिल्ली आगे पढ़ना चाह रहे हैं, उनको दृष्टि की ओर से हम सब सुविधाएं, रहना, खाना, पढ़ना, लाइब्रेरी सब करवाते हैं। और मुझे बहुत खुशी है कि अस्मिता से 6 बच्चों का सिलेक्शन हुआ, उनमें से 5 अभी मेरे पास आए हैं। इनमें सबसे अच्छा रैंक इस बार दिव्या का है, 105वां रैंक है, IAS बन गई है। ये 22 की उम्र में बनी IPS और अब 23 की उम्र में IAS बन गई है, जिसका मतलब है कि 37 साल की सर्विस हाथ में है और 35 साल की सर्विस होते होते व्यक्ति चीफ सेक्रेटरी किसी राज्य का या सेंटर में कैबिनेट सेक्रेटरी बन गया। तो आप अब से 35 जोड़ लीजिए तो 2058 में ये देश की कैबिनेट सेक्रेटरी या किसी राज्य की चीफ सेक्रेटरी होंगी। अभी से इस बात को नोट कर लीजिए। जो बाकी बच्चे हैं मुद्रा से आप मिले हैं, उनका रैंक 381 है। विषय आपका भी हिंदी साहित्य था, इनका भी हिंदी। आप जो तीसरे नंबर पे है रजनीश पटेल, रजनीश पटेल का रैंक है 571, रजनीश पटेल ये हैं। आपका विषय क्या था, बोलिए था आपका भी। इसके बाद हैं 751 पे पंकज राजपूत। ये पंकज ये बीच में छोड़ के भाग गए थे IAS का एग्ज़ाम कि मैं CAPF दूंगा, फिर वापस आए और सिलेक्ट हो गए। आपका विषय क्या है, आपका बिंदी है। और जो पांचवें हैं वो हैं हमारे पंकज, सॉरी हिमांशु। हिमांशु का कौन सा अटेम्प्ट था, 3रा था इस बार, है ना, चौथा। और आपका विषय क्या था, ज्योग्राफी था। तो इन पांच में हमारे 4 बच्चे हिंदी साहित्य, 1 भूगोल, और बाकी कल मैं आपको पूरे 54 की कहानी सुनाऊंगा जो लोग सेलेक्ट हुए हैं। अभी मेरे इस सिलेक्शन में विवेक सर का, पर्सनली विकास सर का, मुझे लगता है कि बहुत बड़ा हाथ रहा है। मेरी अपनी मेहनत के अलावा, मतलब पर्सनल जो मुझे इनसे गाइडेंस मिली है इस वाले अटेम्प्ट में, तो मुझे लगता है वो वर्थ रही है। मेरी स्ट्रेटजी वगैरह आप सब देख ही चुके हैं पहले से, वही था। इस बार तो बस ऐसे था कि हाँ दे देना है, और ये कोई ना कह पाए कि तुक्का था फर्स्ट अटेम्प्ट में, तो इसलिए बस इस बार यही साबित करना था। सबको बेस्ट ऑफ लक मेरी तरफ से, ऐसे ही हिंदी मीडियम का नाम हमें ऊपर लेके जाना है। जैसे कि दिव्या ने बताया कि सर का हाथ था और विवेक सर का हाथ था, हम सबकी सफलता में सर का सहयोग था। और मुझे लगता है कि मेहनत करके खूब और कॉन्फिडेंस के साथ अगर हम इन तीनों फेजेस को फेस करते हैं तो आराम से हो जाता है, चाहे हिंदी मीडियम को मतलब पड़ता नहीं। अब तो हम लोगों ने प्रूव भी कर दिया 2 साल से और आगे भी कर दिया। थैंक यू। जैसा मैंने बताया, मैंने 2020 में लास्ट अटेम्प्ट दिया था इससे पहले, तो उसमें मेरे बहुत कम स्कोर आया था, तो मैं मतलब लगभग 140-145 नंबर से मेंस में फेल हो गया था। तो मुझे लग गया था कि मेरे बस की बात नहीं है, तो मैंने छोड़ दिया था। फिर जब वैकेंसी ज़्यादा आई 2022 में, तो मुझे लगा कि नहीं। okay.
मैंने कहा एक बार और कोशिश करते हैं। फिर अब जैसा कि सब बता रहे हैं मेंस मेंटरशिप का, तो मुझे लगता है उसका बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि केवल 249 नंबर थे मेरे जीएस में 2018 में, तो अब चूंकि सिलेक्शन हुआ है तो नंबर अच्छे तो हो ही होंगे। और सर आपको पता नहीं होगा कि मेंस मेंटरशिप फॉलो करने वालों में, क्योंकि मुझे कुछ समझ नहीं आता था उस समय, मेरे पास एक पेज के भी नोट्स नहीं थे, तो वो जो 41-42 डेली टेस्ट होते थे, तो मैं बस वही लिखता रहता था। मैंने कहा इस बार तो होना नहीं है, 2023 में देखेंगे। तो मैंने वो सारे लिख दिए निस्वार्थ भाव से। उसके बाद फिर मुझे जो समझ में आया मेंस में, मैं वो लिख आया। पिछली बार मैं 2 नंबर से रह गया था एक्चुअली कॉल से, और उसकी शायद एक बड़ी वजह ये थी कि मैं आंसर राइटिंग प्रैक्टिस बहुत नहीं कर पाया था पिछले साल, और इस बार शायद सिलेक्शन का महत्वपूर्ण कारण यही रहा कि मैंने लगभग टेस्ट डेली लिखे थे और उसमें सर का काफ़ी योगदान रहा, और बस मैं क्या ही बोलूँ इससे ज़्यादा। मेंटरशिप टीम ICU और इमरजेंसी की तरह काम करती है, जहाँ दिन नहीं होता रात नहीं होती है, पर हमें पिछले 6 महीने से अंदाजा था कि 50 की संख्या होगी। मैं बार बार कह भी रहा था कि 50 की संख्या होनी चाहिए, और 54 हो गई है। तो उम्मीद कीजिए कि अगले साल और अच्छी खबर के साथ आएंगे। आज ही समाप्त करते हैं, कल हम लोग मिलेंगे।